अल्लाहम वर्षा यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और स्टडी के ऊपर फोकस किए हुए होंगे तो आज की जो वीडियो है वो फीस के हवाले से है कि आपकी सेमेस्टर फीस आ चुकी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं फीस कितनी है कैसे जमा करानी है किस्तें कैसे बनाएंगी और क्या इस दफ़ा ये फीस कुछ ज़्यादा आई है रूटीन से ये सारी बातें इसी वीडियो में और जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं तो आप अगर फ़ीस के मामले में कुछ समझना चाहते हैं तो ये लाजमी देख लें और एंड तक इसको समझ लें ताकि फीस का जो मसला है वो क्लियर हो जाए उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे वी यू खानपुर तो चैनल आपके सामने आ जाएगा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेंगी आपको यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगी और तरह तरह की जो फ़ीस के हवाले से वीडियोज़ हैं उससे भी जान छूट जाएगी ताकि क्योंकि आपको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर वीयू खान खानपुर तो फीस के लिए आपने अपना एल ओपन करना है वी यू डॉट वी यू एल एम एस डॉट ई यू डॉट पी के आई डी पासवर्ड लगाइएगा यहाँ से आपने अपना अकाउंट बुक ओपन करना है अकाउंट बुक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपका अकाउंट बुक नजर आएगा अभी तो जिनके न्यू एडमिशन हुए हैं उनके तो ये पूरी लिस्ट शो नहीं होती दो तीन वोचर वहाँ पे शो होंगे और थर्ड वोचर वहाँ पे उनका फीस का होगा लेकिन अगर किसी का कोई आगे सेमेस्टर है तो बिल्कुल लास्ट में उनके फीस होगी और यहाँ पे फीस शो हो रही है सोलह हजार नौ सौ पचानवे रुपए ड्यू डेट भी है स्टेटस अनपेड आ रहा है और उसके सामने कुछ उस साइड पे राइट साइड पे कुछ बटन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फुल सेमेस्टर की फीस है जितने भी सब्जेक्ट रखे हुए थे अकाउंट बुक में यहाँ आपको फीस नजर आएगी यहाँ पे कुछ आ, सारी मालूम आपने पढ़ लेनी है फुल सेमेस्टर लिखा हुआ है एक तरफ चलान बाद फीस है उसके बाद कुछ उसके आ, कुछ डेट्स हैं उसके बाद राइट साइड पे बटन्स लगे हुए हैं वो क्या है सारी की सारी चीजें अब जो हमारा मकसद है कि सबसे पहले कि फीस कब और कैसे जमा होनी है और किस्तें कैसे बननी है तो किस्तें बनाने का के लिए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जो थ्री है जैसे इसके ऊपर आप आते हैं तो अगर जो है ना वो शो करता है कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट में तब्दील होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान सा है सिंपल सा है आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा वो भी अभी आपके सामने शो हो जाता है तो अगर तो किसी ने करनी है फुल पेमेंट्स तो वो किस्तें ना बनाए यानी एक ही वो चार बाज़ूक लोग पे करते हैं लेकिन जिन्होंने किस्तों में करनी है तो वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन है दो तीन और पाँच इंस्टॉलमेंट्स का ऊपर कुछ मालूम है वॉटअप नंबर दिया हुआ है डेट है अक्टूबर से लेकर मार्च तक यानी ये जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में आपको पता है कि सोलह अक्टूबर से क्लासें स्टार्ट हो चुकी थी तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक फीस है और नीचे उसके बाद अमाउंट है टोटल इस सेमेस्टर की फीस की उसके बाद ड्यू डेट है उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आपने क्या करना है सिंपल कन्वर्ट जो पांच ऑप्शन लेना हम पांच बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो नया एक टेबल बन के आ गया है सारी फीस का उसमें पांच इंस्टॉलमेंट हैं पहला वोचर ज़्यादा है क्योंकि अक्टूबर और नवंबर की फीस इकट्ठी है, है प्लस उसमें 1100 सौ रुपये इसमें सौ इंस्टॉलमेंट हैं और बाकी जो हैं वो जितनी बची फीस रिमेनिंग वो डिवाइड करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बन गई हैं <coughs> तो अब आपने ये इसको क्लिक करना है कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट और फीस आपकी बन गई किस्तों में अब यहाँ पे वापस आएंगे अपने अकाउंट बुक के अंदर तो आपको देखेंगे कि पहले यहाँ पे एक वाचर था लेकिन अब यहाँ पे पांच वाचर बन गए हैं सबके सामने डेट भी आ चुकी है सबका का चलान आई भी अलग अलग से है और पहला वाचर इसलिए ज़्यादा है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसलिए है सत्रह नवम्बर लास्ट डेट है पहला वाचर जमा कराने की और बाकियों की अगले महीने हर महीने में यानी दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च के दस ग्यारह बारह डेट्स होती हैं तकरीबन तो अब देख लेते हैं कि ये टोटल जो फीस है ना कितने सेमेस्टर की है एक दो तीन चार पाँच छः छः सब्जेक्ट हैं टोटल इस सेमेस्टर में इस स्टूडेंट्स के तो फीस कैसे होती है छः को मल्टीप्लाई करेंगे आप पच्चीस सौ पचास ये बन जाएगी पंद्रह तीन सौ प्लस इसमें करेंगे इनमें ग्यारह सौ रुपये ये फीस है <coughs> रूटीन की फीस पिछली दफा इतनी थी लेकिन अब तकरीबन तो कोई पाँच सौ पचानवे या छह सौ रुपए के करीब करीब इस स्टूडेंट की या छः सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा आई है तो आपने अपनी फीस चेक कर लेनी है इसी हिसाब से फीस इसी हिसाब से बनती है जो हैं ओल्ड स्टूडेंट्स यानी पहले से इन लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं और आपने पांचवें सेमेस्टर में लिया है तो फिर क्या करेंगे आप आ, फिर आपकी फीस बनेगी कम ये सिंपल सब्जेक्ट है कोई थ्योरी नहीं है कोई प्रैक्टिकल नहीं है और अगर पांचवें सेमेस्टर में लिया है ना आपने एडमिशंस तो आपने क्या करना है आपके अगर थे पांच सब्जेक्ट तो फीस कितनी की आएगी चार की पच्चीस सौ पचास को आप जरूर देंगे चार से बजाय पाँच के तो यानी अगर आपने छ रखे हैं तो उसमें से भी आपने एक माइनस करके मल्टीप्लाई करना है छ रखे हैं तो आपने पांच से मल्टीप्लाई करना है चार रखे हैं तो तीन से पांच रखे हैं तो चार से और छ रखे हैं तो पांच से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल पच्चीस सौ पचास और प्लस उसमें कुछ नहीं करना आपने जैसे मैंने शुरू में इस सेमेस्टर इस स्टूडेंट्स के लिए बताया था तो अब इसी हिसाब से आप फीस बना सकते हैं किसी की ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो सकते हैं और क्रेडिट आवर्स का फर्क हो सकता है तो इस सब्जेक्ट ऐसे स्टूडेंट की जो फीस है ना उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कोई भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट अलग से नहीं है थ्योरी है सारी की सारी और इस वजह से ये साफ सुथरा सा कैलकुलेशन करके आपको फीस यहाँ पे बता दी गई है तो अब जो फीस आनी थी वो आ चुकी है आपके सेमेस्टर की और आपने उसी हिसाब से पे करनी है इंस्टॉलमेंट करनी है तो फिर आप इंस्टॉलमेंट करके पे करें अगर आपने टोटल पे करनी है तो फिर टोटल एक ही वो आप पे कर सकते हैं लेकिन पे वो होगी सत्रह नवंबर से पहले पहले तो अगर आपके प्रैक्टिकल हैं तो आपने उसी हिसाब से अपनी फीस कैलकुलेट करनी है क्योंकि प्रैक्टिकल की जो फीस है ना वो भी लागू होती है तो इसी तरह आपके सामने अब इंस्टॉलमेंट होके आ गई है टोटल फीस सोलह हज़ार नौ सौ चौरानवे रुपये इस स्टूडेंट के एल के हवाले से और डेट भी आ गई है कि अब आपने जी इनको पे करना है इस हिसाब से और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अब आ जाए फीस कब और कैसे जमा होगी तो कब कब जमा होगी वो तो डेट आपके सामने आ चुकी है जैसे सत्रह नवंबर है फिर अगली दिसंबर ग्यारह है और फिर जनवरी दस है फेब बारह है मार्च अलेवन है इस तरह ये डेट आपके सामने आ चुकी है लेकिन पे होंगी कैसे ये अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और दो तीन तरीके हैं आप वोचर प्रिंट करें बैंक में जमा करा दें एच में यू में या बैंक में और अगर आपने इसको पे करना है ऑनलाइन उसके लिए भी तरीका कार हैं पहला वोचर आपके सामने है ज्यादा है क्योंकि उसमें दो महीनों की फीस शामिल है <coughs> लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका पहला वोचर भी कम होगा क्योंकि उनके अक्टूबर की फीस भी शामिल नहीं होगी और सेमेस्टर इनोलमेंट फीस भी शामिल नहीं होगी बाकी अब पेमेंट्स का तरीका कार बच गया फीस तो जो भी आनी थी आ चुकी है और ये रिवर्स नहीं हो सकती इसके ऊपर बहस करना भी आ, बिला वजह है तो पेमेंट्स का जो तरीका कार है ना वो देख लेते हैं कि वो किस किस तरीके से आपने पेमेंट्स करनी है आप अब आपकी ये च्वाइस होगी क्या आप उसको इजी पैसा से पे करते हैं या आप उसको पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं ये अब आपके स्... ये जो है ना ऑप्शंस अब आपने इस्तेमाल करने हैं कि कैसे-कैसे आपने करनी है ड्यू डेट आपके सामने है अब अगर करनी है आपने फीस बैंक में तो याद रखें कि आपने वाउचर को प्रिंट कर लेना है और बाकी जो शेड्यूल आपके सामने आ चुका है ना इसको फॉलो करना है मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि स्टूडेंट फिर भूल जाते हैं कि जी अगली फीस कब है पिछली कब थी ये सारी की सारी आपकी स्क्रीन के सामने जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट बनाई है याद आप कर लेते हैं फीस पेमेंट्स का मेथड कि किस तरह आपने करनी है अगर तो आपने करनी है ना एच में तो फिर आपने क्या करना है आपने प्रिंट करना है प्रिंटर के बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे जो वोचर है आपने इसको प्रिंट करवा लेना है कहीं से भी करवा लें प्रिंट ये अब कोई मसला नहीं है कि आपने प्रिंट कैसे करवाना है किसी शॉप से करवा लें यूएसबी में डाल लें डाउनलोड करके जैसे भी आप करवाएं करवा के आपने इसको जमा करा देना है बैंक में ड्यू डेट के अंदर अंदर इसके ऊपर अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट की कोशिश करता है यहाँ पे ना चार बैंक उन्होंने मेंशन किए हुए हैं HBL बी एल है यू बी एल है Telenor, माइक्रो Bank बैंक है उसके बाद ही सहूलत है और इस तरह आप पे कर सकते हैं ये यह यहाँ पे एल एम एस गलती से बंद हो गया अब दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने यहाँ से छोड़ा था कि फीस पे कैसे करनी है अगर ऑनलाइन पे करना है तो हमेशा ये चलान आई डी आपने इस्तेमाल करनी है कभी भी बैंक के जो यहाँ पे अकाउंट्स नंबर हैं डायरेक्ट दिए हुए हैं उसके अंदर आपने कभी भी फीस डायरेक्ट ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करनी हमेशा आपने इन चलान आईडी को इस्तेमाल करना है ऑनलाइन पेमेंट्स करते हुए चाहे इजी पैसा से करें चाहे बैंक वाली ऐप से करें एच के यू की ऐप से लेकिन अगर आप करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है या एच का कार्ड से आपने इस्तेमाल करनी है आपके पास ऐप आप नहीं लेकिन आप कार्ड से करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है सबमिट करना है सबमिट करने के बाद भी आपका जो है ना फीस पेमेंट नहीं होगी अगला पेज आपकी कन्फर्मेशन का होता है उसको भी अगर आप चेक करने के बाद कन्फर्म करते हैं तो तब भी फीस पे नहीं होती क्योंकि अब अगला प्रोसेस फीस का भी बाकी होता है यहाँ असल में चीज़ यहाँ पे है कि आपने डाटा देना है आप जो क्रेडिट कार्ड है ना या कार्ड है आपके डे वो दो तरह के होते हैं मास्टर कार्ड है वीज़ा कार्ड है और कार्ड का नंबर आपने डालना है चूज करके एक्सपायरी डेट डालनी है और सीवियन नंबर यहाँ पे डालना है जिनके पास कार्ड उनको पता होता है कि क्या होता है ये और उसके बाद आपने ये नंबर डालने के बाद आपने इसको पे कर देना है पे जैसे ही करेंगे फिर आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा कोड आप इस नेक्स्ट पेज ओपन होने वाले पेज के अंदर आप पुट करेंगे और फिर आपकी फीस जो है ना क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगी तो ये आसान तरीका है जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको पता है तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे आ चुकी हैं कि आपने अब इस स्टूडेंट ने बहुत सारी फीस माइक्रो फाइनेंस बैंक यानी ईजी पैसा से पे की है कुछ एक फीसें एच बी एल की ऐप से पे की हैं जो भी आपको कन्वेंशनल लगता है ईजी लगता है आप उससे फीस पे कर सकते हैं अब ये क्लियर हो चुका है फीस आ चुकी है आपके सेमेस्टर की और कभी अब इसमें कोई मसला है नहीं है हमेशा ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अगर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने चलान आईडी वगैरह इस्तेमाल करनी होती है कभी भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में फीस ट्रांसफर ना कीजिएगा क्योंकि वहां से ट्रेस करनी मुश्किल होती है और वो लेंथी आ, काम है एक टाइम गेनिंग उम्मीद है कि ये चीजें तो अब आपको समझ आ गई होंगी फीस के हवाले से क्योंकि आप पहला वाचर भी जमा करा चुके हैं फीस का ये दूसरा वाउचर है अब इंस्टॉलमेंट करते हैं तो चार पांच वाचर बन जाएंगे और अगर इकट्ठी फीस जमा करानी है तो फिर ये एक ही वोचर आपका होगा और ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए हमेशा चलान आई इस्तेमाल करनी है कभी भी आपने ट्रैम बैंक के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना <coughs> तो फीसें अब आपके जो है ना वो क्लियर हो चुकी हैं आ चुकी है फीस अब आपने ड्यू डेट के अंदर पे करनी है जो डेट्स आ चुकी हैं सामने उसको फॉलो कीजिएगा नहीं पे करेंगे तो ग्यारह uh, दिसंबर को आपका फाइनल टर्म है और उससे पहले आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन होता है कि वो आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकता है अगर आप फीस पे नहीं करते तो अब उसी हिसाब से फ़ीस पे कीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़